नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंशी बाबू टिक चैनल में। दोस्तों, आप ये ब्लाउज मैंने आपको सिल के बताया था, आज मैं आपको इसमें पाइपिंग लगाना बताऊंगी। दोस्तों, हम इसमें डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे। तो डोरी वाली पाइपिंग ब्लाउज में कैसे लगाते हैं कि हमारी फिनिशिंग एकदम सही आए, कैसे लगाएंगे कि ये चीज हमारा कहीं से भी ऐसे उठाना हो या फिर कहीं से मुड़ा मुड़ा सा ना दिखे, इसके लिए ये जानने के लिए कि डोरी वाली पाइपिंग एकदम फिनिशिंग के साथ कैसे लगाते हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ही जान पाएंगे कि ये पाइपिंग कैसे लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जब आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो उसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं। तो दोस्तों, देख चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लाउज में डोरी वाली पाइपिंग लगाना। दोस्तों, इसके लिए हम अलग से कपड़ा लिए हैं जो कि उसमें हम जब पाइपिंग लगाएं तो आपको पूरा दिखे और समझ में आए कि कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें से अपनी पट्टी निकाल लेंगे। और दोस्तों, मैंने पट्टी निकालने के लिए आपको अपने वीडियो में बताया भी है, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं कि पट्टी कैसे निकालते हैं, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऐसे तिरछे कपड़े को जब हम लेते हैं तो इसे औरेब बोलते हैं, जो ऐसे खिंचता है। तो हमें औरेब कपड़ा लेके अपने पट्टी के लिए पाइपिंग वाली पट्टी, डोरी वाली पाइपिंग लगाने के लिए हमें पट्टी 1.5 इंच का लेना होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही 1.5 इंच पे मार्क करके हम इस पट्टी को काट लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये पट्टी कट कर ली है। अब हम इसमें इसको कैसे लगाएंगे वो बताती हूँ आपको मैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें पहले अपने पट्टी में से ये जैसे 1.25 इंच जैसे ऐसे हमको करके इसको मोड़ के और इस पर पूरी सिलाई लगा लेनी है। इस पर हम बस ऐसे सीधे सीधे ही पूरे पट्टी में अपनी सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने अपने पूरे पट्टी में ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद क्या करना है, यहां से हमको ये कपड़ा सीधा कर लेना है और अपने ब्लाउज में इसको अब जोड़ना है। तो इसके लिए हमें यहां से ऐसे इसको अंदर से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहां से एक पैर का मार्जिन लेके इसमें हम अपनी पट्टी को पूरे ब्लाउज में जोड़ लेंगे। दोस्तों, ये हमें डोरी वाली पाइपिंग लगानी है। हमें बहुत बहुत ही हल्के हाथ से, यूं समझ लीजिए कि नहीं के बराबर, ऐसे एकदम हल्का सा इसको खींचना है अपने साइड। केवल पट्टी को खींचना है, हमें ब्लाउज को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ऐसे पट्टी को बहुत हल्के हाथ से खींचेंगे और ऐसे गोलाई में देते हुए ऐसे पूरे ब्लाउज में अपनी पाइपिंग को हम अटैच कर लेंगे। दोस्तों, हमको पूरे ब्लाउज में ऐसे ही बहुत हल्के हाथ से ऐसे खींचना है और इस पे लगाना है ऐसे। और दोस्तों, जैसे जैसे हमारे ब्लाउज के गले का शेप है गोल, उसी तरह से हमें अपने ब्लाउज को रखना है ताकि हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग अच्छी आए। तो इसको हम ऐसे रखेंगे और इस पे हम अपना पाइपिंग लगाते जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से हम अपने पूरे ब्लाउज में पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। और दोस्तों, एक जरूरी बात, जब हम लोग यहाँ गोलाई पे आएंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम अपने यहाँ गोलाई पे आएंगे तो यहां तक तो ठीक है, थोड़ी से ऊपर तक हम पट्टी को खींचेंगे, लेकिन जब हम गोलाई पे आएंगे तो अपनी पट्टी को नहीं खींचेंगे। इसको ऐसे सीधे ही रखेंगे और इसमें पट्टी अटैच कर लेंगे। दोस्तों, गोलाई पे जब हम इसको खींच लेते हैं तो ये जब हम पाइपिंग पलट के लगाते हैं तो ये उठा उठा सा यहां से आता है, और जब हम गोलाई पे इसको खींचेंगे नहीं, एकदम सीधे ऐसे रखेंगे तो ये हमारा सही बनेगा। और बाकी जगह से हमें थोड़ा सा हल्का सा खींच के ही पट्टी लगाना है। इसी तरह से दोस्तों, हमें हर जगह से कर लेना है और अपनी पूरी पट्टी को ब्लाउज में अटैच कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमने ये अपना पूरा कपड़ा इस पे अटैच कर लिया है। ये अब हम इसमें डोरी लगा के आपको दिखाएंगे कि इसमें डोरी कैसे लगाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही आसान होता है डोरी लगा के ब्लाउज का पाइपिंग बनाना। बस थोड़ा सा इसे ध्यान देने की जरूरत है। आप ध्यान देंगे तो आप भी बहुत अच्छे तरह से इसमें डोरी वाली पाइपिंग लगा लेंगे। तो दोस्तों, इसको हम ये ऐसे खोल लेंगे और यहाँ से जो हमारा ये एकदम कॉर्नर है, यहाँ से हम इसमें ऐसे डोरी लगाएंगे
और इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ से दोस्तों जब हम इसको मोड़ेंगे तो हमारी डोरी जितनी पतली है उतना ही पतला ये मुड़ेगा। और यहाँ एकदम किनारे पे हम इसके यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। मैं सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ कि इसमें सिलाई कैसे लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें पाइपिंग लगाते समय हमें ये सारा मार्जिन इधर करना होगा और यहाँ जहाँ सिलाई हमारी चली है अंदर से, उस सिलाई पे इसको रखेंगे हम और यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। और जब हम फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा हमारा ऊपर से दिखेगा और एकदम इसके किनारे पे यहाँ से हम इसमें सिलाई चलाएंगे। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम अपने पूरे ब्लाउज में ये पाइपिंग, ये डोरी अटैच कर लेंगे अपने पाइपिंग के साथ। बस दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे डोरी लगाते जाना है कपड़ा फोल्ड करके और यहाँ एकदम किनारे पे हमें सिलाई चला लेना है। तो दोस्तों इसी तरह से हम पूरे ब्लाउज में इसको अटैच कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये पाइपिंग अपना ब्लाउज में अटैच कर लिया है। अब देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी फिनिशिंग कैसी आई है। देखिए दोस्तों, अभी ये आपको ऐसे दिख रहा है जबकि ये बैठा हुआ भी है, लेकिन फिर भी ये चीज़ थोड़ा उठा है। मैं ये फिनिशिंग कैसे आएगी हमारी, ये चीज़ ऐसे हमारा कैसे रहेगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों इसके लिए जो हम ये चीज़, ये पट्टी अपना जोड़े हैं, यहाँ जहाँ गोलाई है हमारी वहाँ से हम इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कट कर देंगे। दोस्तों सिर्फ गोलाई पे करना है और कहीं नहीं, जहाँ से हमारी गोलाई है गले की, बस वहीं पे ऐसे छोटा छोटा कट्स लगा देना है आगे और पीछे दोनों साइड में। ऐसे जैसे हमने कट, ये कट्स लगाया है, इसी तरह से आपको जहाँ जहाँ ब्लाउज के गले की गोलाई है वहाँ वहाँ से कट्स लगा लेना है। अब इस पे हमको कैसे सिलाई चलाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ से जहाँ से हमने पाइपिंग लगाना शुरू किया था वहाँ से ये कपड़ा आप देख लीजिएगा कि बाहर ना निकले, इसको ऐसे अंदर करके और यहाँ से हमें इसके बराबर से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों हमें ये सिलाई लगाते समय कहीं से कुछ भी खींचना नहीं है, बस जैसे ये हमारे ब्लाउज का गला है और जैसे हमने पाइपिंग लगाया है, बस इसको ऐसे पकड़े रहेंगे और ऐसे ही हम गोल में सिलाई चलाते जाएंगे, इसको घुमा के ऐसे, और इसी तरह से हम सिलाई चला लेंगे पूरे ब्लाउज में, ऐसे ही हम सिलाई चला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पाइपिंग कितनी फिनिशिंग के साथ लग गई है, कहीं से भी ये ऐसे उठा हुआ नहीं आ रहा है। दोस्तों इसी तरह से जब आप अपने ब्लाउज में भी पाइपिंग लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग भी बहुत अच्छी आएगी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये कट्स हम क्यों लगाते हैं, ये कट्स जब हम लगा लेते हैं तो हमारा कपड़ा यहाँ गोलाई के हिस्से पे ऐसे थोड़ा सा फैल जाता है, तो इसकी जब ये फैल जाता है तो हमारा ये चीज बैठ जाता है। और अगर आप उसी तरह से बिना कट्स लगाए इसको लगा देंगे तो ये चीज थोड़ा सा आपका ऐसे पीछे से ऐसे उठ के आएगा, क्योंकि यहाँ खिंचाव ज्यादा पड़ता है और उसी खिंचाव की वजह से ये उठ जाता है। और अगर आप कट्स दे के लगाएंगे तो आपका भी पाइपिंग इसी तरह से एकदम सही तरीके से बैठेगा। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ और भी जानना है, जानकारी लेनी है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।